की पिच पे आपका स्वागत है। ये हैं यानी कि शॉपमैन, भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच, और आखिरी पूल स्टेज मुकाबला है भारतीय महिला हॉकी टीम का। रॉब शॉट जो कि स्वेंसन के हैं, कनाडा की टीम के हेड कोच हैं। ओवरऑल अगर आप पिछले कुछ मुकाबले देख लें तो भारत का पलड़ा भारी है। वर्ल्ड कप में सडन डेथ में भारत ने कनाडा को हराया था, और अगर सविता पुनिया की टीम अगले दौर में जाना चाहती है तो आज ये मुकाबला जीतना ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि भारत और कनाडा दोनों के पॉइंट्स बराबर हैं। मुकाबला ड्रॉ भी रहा तो भी कनाडा जीतेगा क्योंकि उनका गोल डिफरेंस बेहतर है। तो भारतीय महिला टीम के लिए एकदम करो या मरो वाला मुकाबला है। शुक्रिया सुनील, बिल्कुल सही समीकरण समझाया आपने। भारत के लिए ये मस्ट विन मुकाबला है। मैं तो ये भी कहूँगा सुनील कि ये क्वार्टर फाइनल है सेमीफाइनल के पहले, जो जीते वो निकल जाएगा सेमीफाइनल में। और जो कल सबसे बड़ी गलती हुई थी जिस पर आएंगे हम, क्योंकि सर्कल एंट्री आ चुकी है इंडिया के लिए। क्या बात है, राइट फ्रॉम द वर्ड गो। दाएं फ्लैंक में भारतीय टीम की एक और सर्कल एंट्री, 3D स्किल्स बनाने की कोशिश थी। वंदना मांग कर रही है पेनल्टी कॉर्नर की, अंपायर ने दिया है लॉन्ग कॉर्नर। एक और खूबसूरत गोल पेनल्टी कॉर्नर द्वारा आया, वंदना के द्वारा। मेरे ख्याल से भारत ने रिव्यू लिया है, बहुत जल्दी लिया है। I have ordered a long corner, but India are looking for a foot in the circle on the baseline. Can you please check? So I'm looking for a foot in the circle. सारा गुडमैन एक बड़े मशहूर वकील के नाम की याद दिलाती हैं जो एल्बरकर्की में रहते हैं, पिक्शनली। क्या नाम है उनका, जिसे जिसे याद आता है बताइए सोशल मीडिया पे हमें। ये प्लेयर का नाम है सारा गुडमैन, और ये है वंदना कटारिया। और मामला वाकई में करीबी है, इसलिए पूरा टाइम लिया जा रहा है। कैटरीना, I have a decision for you. The ball was dangerous off the defender's stick, so you can award a penalty corner and India keep their referral. फर्स्ट रशर ने डायरेक्ट कोशिश को बचाया है, लेकिन बॉल अभी भी भारत के पास है। डिफ्लेक्शन है, गोल भी है। लाल रन सीएमी सलीम आटिया, इनफैक्ट आखिरी टच उनका, और क्या कमाल का कमाल की शुरुआत भारतीय टीम की। संगीता बेसलाइन से, ओ अच्छा, उनका डी के अंदर खलबली मचाई है। गोलकीपर आगे आए और यहां भारतीय प्लेयर को बॉल लगी। एक बार संगीता ने हिला दिया था कैनेडियन डिफेंस को। आइडिया बुरा नहीं है, हॉट चैनल के बीच में से बॉल निकाली है। रोवन हैरिस एकदम से हथप्रभ रह गई। बेसलाइन से अटैक, रोवन हैरिस, ओ ये गोल है, ये गोल है। 2-0 से आगे भारत। नवनीत कौर ने स्कोर शीट पे नाम लिखा दिया है। जबरदस्त अटैक भारत का, लीड डबल हो चुकी है। जवाबी कार्रवाई है, उदिता के पैर ढूंढे हैं कनाडा ने। पहला पेनल्टी कॉर्नर, कनाडा प्रेशर बनाएगा, दो गोल से पीछे है। स्लैप शॉट, डिफ्लेक्शन, कनाडा ने एक गोल वापस ले लिया है। दो गोल इस क्वार्टर में हो चुके हैं और भारत की लीड वापस एक गोल तक सिमट गई है। जिस खतरे की हमने बात की थी वही खतरा दिखाई दिया है सुनील। गोल मारने के बाद गोल कंसीड करना, डिफेंस को प्रेशर ले लेना, ये अक्सर हमने देखा है। बेहतर डिफेंड करना चाहिए था भारत को। बढ़िया बॉल डी के अंदर दी गई है, बचाव करना पड़ेगा। ओ ऑन टारगेट नहीं थी, ऑन टारगेट नहीं थी। और मैडलिन सेको, ध्यान दीजिए इस खिलाड़ी पर, ब्रियन स्टेस के साथ, ये भी बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है। ओ पेनल्टी कॉर्नर कनाडा के लिए नंबर 2। बहुत बड़ा पल ये मैच में और बहुत बड़ा मौका
कनाडा के लिए बुनियादी गलती हुई है भारत के द्वारा डीप डिफेंस में। बहुत देर बाद कनाडा ने एक अच्छा अटैक बनाया, भारत को बेहतर डील करना चाहिए था उस अटैक के साथ। ओके, बैकडोर किया है, वेरिएशन लिया है और गोल फिर से किया है। कमाल की वेरिएशन इस बार फिर कनाडा की और स्कोर 2-2 से बराबर। यही होता है जादू पेनल्टी कॉर्नर्स का। मॉडर्न हॉकी में पिछड़ रहे हैं आप, फील्ड गोल निकल नहीं रहे हैं, मगर पेनल्टी कॉर्नर मिल गया और आपने गोल निकाल लिया। योहानसन जो उनकी नंबर वन ड्रैग फ्लिकर है, डमी ड्रैग फ्लिक के साथ ड्रैग फ्लिक नहीं लिया। मैकमैनस कैप्टन ने दिया इंजेक्टर को और इंजेक्टर ने कोई गलती नहीं की, बहुत अच्छी फिनिश इंजेक्टर द्वारा। फिलहाल भारत को चाहिए गोल, बेहतरीन पासिंग डी के अंदर, गोलकीपर का बचाव है, उसके बाद एक प्रहार हुआ है और बच गया है गोल कनाडा का। दाहिनी तरफ से वंदना है और अंपायर ने कहा हाथ पे बॉल लगी है, बेस लाइन से कंट्रोल जरूरी। ये आया गोल, क्या बात है, नेहा गोयल लीड दिलवा दी दोबारा से भारत को। Rhiannon, this is my referral. Can you check on the back line here, the contact from the India? अंपायर का अपना रेफरल है। सबसे पहले तारीफ करूंगा मैं अंपायर की कि उन्होंने एडवांटेज दिया है यहां पर। यहां पर फाउल आ सकता था, बैकस्टिक बिल्कुल हुई है, मगर जब रिव्यू होता है तो हर फाउल गिना जाता है सुनील। तो सबसे पहला फाउल योहानसन का आ चुका है, उसके बाद बैकस्टिक हुई है। टैकल फ्रॉम बिहाइंड पहला फाउल है जिस पर एडवांटेज दिया गया, और अगर बैकस्टिक है इसका मतलब एडवांटेज भारत को नहीं मिला है, तो पेनल्टी कॉर्नर बन सकता है भारत के लिए। तो योहानसन का जो ऑब्स्ट्रक्शन था उसे काउंट नहीं किया गया। पांच मीटर के बाद बॉल, अब पेनल्टी कॉर्नर है और कनाडा के पास रेफरल नहीं है प्रभु। डिफ्लेक्शन हुई है, रिबाउंड पे अवसर मिलेगा गुरजीत कौर। क्या बात है, लाल रंग सीएमई गोल पोचिंग स्किल्स, अब भारत 3-2 से आगे, कोई संशय नहीं इस बार। मेरे ख्याल से सवाल ये है सुनील, क्या बॉल सर्कल के बाहर आई थी? गोल हुआ है तो अंपायर अपना रेफरल ले सकती है, कनाडा के पास कोई रेफरल है नहीं, गोल दे दिया गया है पहले, ऑन फील्ड डिसीजन आ चुका है और कोई रेफरल लिया नहीं जा रहा है मेरे ख्याल से हैना हैरिसन द्वारा, और मुझे कोई फाउल नजर नहीं आया है सुनील। सच कहूं तो टी के बाहर तो बॉल कतई नहीं गई थी और अंपायर ने साफ कह दिया कि मैं कोई रेफरल नहीं ले रही हूं, कनाडा के पास रेफरल है नहीं। अब भारत 3-2 से आगे है। जबरदस्त वन ऑन वन स्किल्स हैं संगीता के, ये आया, ओ बाल बाल बचा गोल, अभी भी अवसर है, तीन प्लेयर से घिरी हुई है नवनीत, पेनल्टी कॉर्नर, लीड भारत की, पोजेशन भारत की, मौका भारत का। डिफ्लेक्शन करवाने की कोशिश थी और सीएमई संभवतः है उस प्रक्रिया में थोड़ी चोटिल हुई है। पांच, चार, तीन, दो, एक, भारतीय महिला हॉकी टीम जा रही है सेमीफाइनल में। पांचवीं मर्तबा भारत की महिला हॉकी टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। बहुत बहुत वेल डन टीम इंडिया, 3-2 से भारत ने कनाडा को हराया है। सेमीफाइनल में आपको भारत की महिला हॉकी टीम खेलती नजर आएगी।